प्रदेश के युवाओं के साथ जो बदसलूकी हो रही है उसकी तस्वीरें देखकर विचलित करने वाली है, उसकी तस्वीरें देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है। उनको सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, पुलिस लाठियों से भांज रही है, उनके फोन छीने जा रहे हैं, उनके साथ ज़ाब्ती की जा रही है। उनका क्या गुनाह है? वो रोजगार मांग रहे हैं, वो जायज मांग लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं। 9 करोड़ उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य गर्त में डालकर सरकार पूरी तरह से निरंकुश पुलिस से इन युवाओं को पिटवा रही है। अभी आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी, 411 पद थे, 14 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, एक पद के लिए 3500 के करीब लोग। आशंका है कि पेपर लीक हो गया था, जो अभ्यर्थी थे वो कह रहे हैं कि री एग्जाम करा लीजिए, सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। जायज मांग जब कर रहे हैं युवा, तो उनको पुलिस से पिटवाने का, फोन छीनने का, उनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। पुलिस भर्ती अभी होने वाली थी, 60,000 से ज्यादा पद आए थे, 50 लाख से ज्यादा आवेदन आए, पेपर लीक हो गया, साल भर की मेहनत बर्बाद, साल दर साल की मेहनत बर्बाद। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का, वो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर थे, उन्होंने डटकर आवाज उठाई, युवा भी उनके साथ खड़े हुए, री एग्जाम कराने की घोषणा की गई, कैंसिल किया गया। तो असलियत यह है कि यूपी के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कौन है ये लोग जिनको पीटा जा रहा है? ये कोई छुट्टे जानवर है सड़क पे? अरे ये देश के युवा है, ये देश का भविष्य है, ये वो लोग हैं जो साल दर साल मेहनत करते हैं, फिर आवेदन पत्र खरीदते हैं, फिर गाजर मूली की तरह बसों और ट्रेनों में भरकर नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हैं, और जब एग्जाम दे देते हैं तो पता चलता है पेपर माफिया ने पर्चा लीक कर दिया, भविष्य जो है वो गर्त में चला गया। ये वो युवा है जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनकी नौकरी मिलने की उम्मीद में अधिकांश माएं एक रात की रोटी कम खाती है कि बच्चा पढ़ जाए, कुछ बन जाए, और इन्हीं के खिलाफ उत्पीड़न कर रही है योगी मोदी सरकार। यही डबल इंजन की असलियत है। और प्रियंका जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, हम विश्वगुरु बनेंगे, हम चंद्रयान पे जाएंगे, लेकिन हम एक पेपर ढंग से करा नहीं पाएंगे। एक पेपर लीक माफिया को धर दबोचा नहीं गया उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक पेपर लीक हो गई, ये पहली बार नहीं है। चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी टेट हो, 500 पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए। अंत में एक बात जरूर कहूंगी, इस सरकार की कोई गारंटी हो ना हो, नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर नौकरी मांगोगे तो मोदी की यह गारंटी है कि लाठी से पीटे जाओगे, और अगर वहां कसर रह गई तो उसको योगी पूरी कर देंगे। लेकिन यह भूल जाते हैं कि देश के युवा जब उठ खड़ा होता है तो बड़े बड़ों को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो अपनी जायज मांगों को लेकर आप लड़िए, क्योंकि लड़ना जरूरी है, लड़ने के बाद ही आपको हक मिलेगा। ये घुटने टेकेंगे और फिर से परीक्षा होगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों, याद रखना, युवाओं को न्याय देना पड़ेगा, और वो न्याय हम लेकर रहेंगे।